नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। जनपद मैनपुरी में जैसे जैसे मतदान तारीख पास आती जा रही है, वैसे वैसे ही प्रत्याशी अपनी वोट मांगने की प्रक्रिया को तेज करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेके जनपद मैनपुरी के कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी आराधना गुप्ता ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर राजीव कुलश्रेष्ठ अखिल भारतीय कास्ट महासभा के जिलाध्यक्ष ने फीता काटकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय का उद्घाटन करने से पहले विधिवत कार्यालय के कार्यकर्ताओं के साथ में हवन पूजन भी किया गया। इस मौके पर प्रकाश प्रधान, पीसी चतुर्वेदी शहर उपाध्यक्ष, अजय द्विवेदी शहर अध्यक्ष, अरविंद तिवारी शहर उपाध्यक्ष, कुमार गौरव दुबे युवा अध्यक्ष आदि लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि तथा प्रत्याशी आराधना गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको ये पूरी रिपोर्ट। ये आज किस तरीके से कार्यालय का उद्घाटन किया गया और क्या आप कहना चाहते हैं? आज पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ और जैसे मतलब ये प्रोग्राम तो हमारा 15 दिनों से चल रहा था, लेकिन आप जानते हैं एक विधिवत रूप देने के लिए, क्योंकि समय किसी के पास नहीं बचा था, बहुत कम समय रह गया हमारे पास, तो ये भी जरूरी होता है। चूँकि ईश्वर का नाम भी आज हम लोगों ने हवन के माध्यम से लिया और उनको याद किया, और हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। आज कार्यालय का उद्घाटन मेरे बड़े भाई राजीव कुलशेष जी ने, बहुत ही बड़े समाज को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं, आज उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ है। निश्चित सी रूप उनका आशीर्वाद मुझे विजयश्री दिलाएगा। जय हिंद, जय भारत। आज जो कार्यालय उद्घाटन हुआ है, और आप अपने प्रत्याशी के लिए क्या कहेंगे? एक्चुअली मैनपुरी में जितने कैंडिडेट हैं अध्यक्ष पद के लिए, उनमें सबसे बढ़िया कैंडिडेट आराधना गुप्ता जी, इसलिए उनका कोई परिवार स्वयं का नहीं है, पूरी मैनपुरी जनपद परिवार मानती है। और अभी तक जितने संकल्प, किसी ने संकल्प पद ऐसा नहीं निकाला है जो मैनपुरी शहर को सुधार पाए। इससे पहले बीमारियां काफ़ी मैनपुरी में हुई, डेंगू, चिकनगुनिया, करोना और भी बुखार की अन्य बीमारियां भी आई, केवल नगर पालिका की गंदगी की वजह से किसी चेयरमैन ने कभी ध्यान नहीं दिया और केवल लूट मार पड़ी रही, कमीशन खोरी और जगह जगह कुन्ने जो गवर्नमेंट के थे वो लोगों को पैसे लेके अलॉट किए गए। और इनमें एक अच्छाई दिखाई देती है कि ये विकास करेंगे, ये मच्छर भी नहीं दिखाई देंगे और बीमारियां भी नहीं आएंगी मैनपुरी में। और उम्मीद है धीरे धीरे हर आदमी विचार कर रहा है, जितनी लेडीजें आई हैं अभी तक, किसी की धर्मपत्नी आई है, किसी की पुत्र बधु आई है, तो केवल उनकी नज़र ग्रांट पे 20% कमीशन की है और जगह जो पड़ी है उसमें घूसखोरी की है। घूसखोरी और कमीशन खोरी किसने किया? अभी तक पूर्व जितने चेयरमैन हुए केवल उसी पे ध्यान दिया गया है, सभी चेयरमैनों ने जितने आए अभी तक। तो आपकी आप किससे टक्कर है? टक्कर नहीं है, हमारी तो जीत है, ऐसा कैंडिडेट कोई है ही नहीं है मैनपुरी में। बाकी तो घरेलू कैंडिडेट है, कोई रोटी बना रहा है उसको पता ही नहीं है हम कहाँ खड़े हुए हैं, हमारा चुनाव चिन्ह क्या है। और मैनपुरी नगर में आराधना गुप्ता को सब जानते हैं, मजिस्ट्रेट रह चुकी है, सोशल एक्टिविटी जिनकी अच्छी रही है, इसलिए हमें उम्मीद है हमारे कैंडिडेट की किसी से टक्कर नहीं, बहुत बहुत वोटों से जीतेंगी और मैनपुरी जनपद और मैनपुरी नगर का विकास होगा, सफाई होगी, अच्छा होगा। फिलहाल की खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए एएसबी न्यूज़।